उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कुछ दिन पहले मैंने अपना एक इंडोर प्लांट्स कलेक्शन का वीडियो शेयर किया था, उस पर मैंने अपने जीजी प्लांट को दिखाया था और मेरे कुछ और प्लांट्स को जिनको मैं वाटर में ग्रो कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोग के सामने आई हूँ इसका अपडेट लेके कि कैसा हो रहा है, रूट्स कैसे आते हैं। इंडोर प्लांट ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स को आप वाटर में प्रोपोगेट कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। ये जीजी प्लांट का एक लीफ है जिसको मैंने पानी में रखा हुआ था, लगभग एक महीना हो गया है। इसको आप रूट देख सकते हैं, कितना अच्छे से इसमें रूट्स आया हुआ है। अब ये ट्रांसप्लांट के लिए रेडी है। ये कटिंग मैंने लगभग एक हफ्ते पहले रखा था, इसमें भी छोटे छोटे रूट्स आने लगे हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरा दूसरा बड़ा सा स्टेम, जिसमें ये मैंने एक स्टेम रखा था, इसका रूट्स देख सकते हैं कितना अच्छे से रूट्स डेवलप हुआ है। ये मेरे पास हिबिस्कस के कुछ कटिंग्स हैं, मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर किया था, इसको भी मैंने रूट में वाटर में रखा हुआ था। ये लगभग आपको 10 से 15 दिन हुआ होगा पानी में ही, इसका रूट्स आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं वाइट कलर के, ये रूट्स डेवलप हो रहे हैं इसमें। हिबिस्कस मेरे लिए फर्स्ट टाइम है जो मैं ट्राई कर रही हूँ वाटर में। ये मेरा एक महीना पुराना कटिंग है, इसको मैं एक पार्क से लेके आई थी, इसको मैंने वाटर में रख दिया था। रूट्स देख सकते हैं आप कितना अच्छे से रूट्स आया हुआ है, ये देखिए इसका भी देख रहे हैं वाइट कलर का ये रूट है। ये 15 दिन हुआ है तो रूट्स अभी आना बस स्टार्ट हुआ है। तो बहुत आसान होता है, पानी में आप कोई भी प्लांट्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं। मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ एक मेरा छोटा सा कॉलियस का कटिंग। मेरा कॉलियस का एक पौधा बारिश में ख़राब हो गया पूरा, इसमें फंगस आ गया था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था यहाँ हैदराबाद में तो, और मैंने हटाया नहीं था इसको पानी में से क्योंकि धूप निकल नहीं रही थी, वैसे ही पड़ा हुआ था, तो प्लांट जो है मेरा ख़राब हो गया। तो उसका एक छोटा सा मैं जो बचा हुआ था उसका कटिंग निकाल के उसको मैं पानी में रखी हुई थी, इसमें भी अभी रूटिंग स्टार्ट हो रहा है, दिख नहीं रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट ख़राब हो गया था। अब मैं इसको ट्रांसप्लांट कर दूँगी। कॉलियस के प्लांट का केयर और प्रोपगेशन के बारे में मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ एक वीडियो बना के शेयर करूँगी। ये मेरे कुछ और प्लांट्स के कटिंग हैं, ये भी यूफोरबिया की एक वैरायटी है, ये भी इजीली वाटर में प्रोपगेट हो जाता है। देख रहे हैं कितना लंबा सा रूट, कितना बड़ा रूट है। अब ये ट्रांसप्लांट के लिए सारे रेडी है, इनको इजीली अभी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बाकी तो आप सब लोग को पता ही होगा, मनी प्लांट हो गया या फिर कोई भी पोथोस जो होता है वो सब इजीली आप पानी में ग्रो भी कर सकते हैं, पानी में प्रोपगेट भी कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जिनको मैं पानी में ही रखी रहती, जैसे हो गया सिंगोनियम हो गया, ये मेरे पास सालों से हैं, पानी में ही ग्रो हो रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।